पेट और कमर के फैट को कम करने में सहायक बैठकर किए जाने वाले तीन सरल अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे अभ्यास जैसे पेट के बल अगर हम करते हैं तो हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते, और सीधे लेट करके कमर दर्द वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पांव उठाएंगे उनको कमर में दर्द होने लगेगा। तो बैठ करके भी ये जो अभ्यास बता रही हूँ ये सभी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इससे पेट और कमर का फैट कम होगा ही होगा। और आज के इस अभ्यास से जिन लोगों को इस तरीके का लाभ मिल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए बहुत जल्दी से शुरू कर देती हूँ जो तीन सरल अभ्यास है। देखिए, सबसे पहले जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, नौका संचालन। जैसे हम नाव चलाते हैं वैसे ही हमारे शरीर का मूवमेंट होगा। दोनों पैरों को हमने फैला दिया है श्वास के साथ। ये देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, सांस छोड़ दें, सांस भरे। शुरुआत आप 10 बार से करें, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए उल्टा, सांस भरे, सांस छोड़ दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये कितना सरल अभ्यास है, इसे तो गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। किसी को नुकसान तो है ही नहीं इन अभ्यासों से जो मैं अभी बता रही हूँ। ये था नौका संचालन, निश्चित रूप से पेट का फैट जाएगा इससे। दूसरा भी जो अभ्यास है वो ऐसे ही है। आप बैठेंगे ऐसे और सीधे से पहले राइट लेग उठा लें और दोनों हाथों को बढ़ा लें एंकल के पास, बस रोक के रखें। जितना उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन पीठ को सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखेंगे तो आपको नहीं आएगा जोर। ये देखिए, थाइस के ऊपर बहुत जबरदस्त जोर है, पेट पर भी आ रहा है, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते छोड़ते हुए ऊपर, श्वास प्रश्वास बनाए रखें। श्वास पोज में बीच में रोकना नहीं है, योग में यही सबसे बड़ी खूबी है कि आप श्वास प्रश्वास बनाए रखें और सांस भरते हुए नीचे आ जाए। ये बहुत सरल है और सभी कर सकते हैं। इससे न तो कमर दर्द वालों को दिक्कत है न किसी और को। और देखिए, तीसरा अभ्यास भी बहुत सरल है। चक्की तो सबने चलाई होगी कभी कभी, या देखी होगी चलती हुई। चक्की चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। पहले जो महिलाएं चक्की चलाती थी उनकी कमर कितनी बढ़िया रहती थी, पेट, कमर, बाजू सब उनके एकदम बढ़िया सुडौल रहते थे। मगर आज तो ये सब है नहीं, सब मशीनी काम है। इसीलिए सब लोगों का ये पोर्शन बढ़ रहा है, और महिलाओं का कमर का पोर्शन तो बहुत बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए अब हम कुछ नहीं, नकली चक्की चला लें। देखिए, चक्की चलाते समय चक्की बीच में रहती, पाँव फैले हुए रहते हैं, तो आप पाँव फैला लीजिए और चक्की का हत्था पकड़ते हैं ना, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ लें। अब ऐसे थोड़ा सा चक्की जरा पास पास चलती थी, आप थोड़ा दूर दूर चला लीजिए। सांस भरे, सांस छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और ऐसे उल्टा, सांस भरे, सांस छोड़ दें। हाथ घुमाते हुए आपकी कोहनी यूं नहीं होनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। जब आप सीधा रखेंगे तभी आपको प्रॉपर प्रेशर आएगा, और ये कमर के लिए, आपके पेट के लिए, सभी के लिए, बाजू के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। ये तीनों सरल अभ्यास जो बहुत आसानी से बैठकर किए जा सकते हैं। ना आपको कोई खड़े होना है, ना कहीं जाना है,
आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कर ले, जहां भी है टीवी देखते देखते कर ले, जो भी कुछ कर रहे हो आप आराम से इन अभ्यासों को। लेकिन हाँ, 10 बार से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे इन अभ्यासों की संख्या बढ़ानी होगी। और अगर आपका बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शनेट है बॉडी तो 10-10 बार आपके लिए पर्याप्त है, वरना इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे रिजल्ट आपको मिलते चलेगा। ये बहुत सरल अभ्यास थे जो मैंने आज आपको बताए, और इन अभ्यासों को करना है खाली पेट, ये ध्यान रखें। खाना खा के आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी अभ्यास योग में खाना खा के करने के लिए केवल एक अभ्यास है, वो वज्रासन। बाकी सारी चीज़ें आपको खाना खाने के पहले करनी है, जब पेट खाली हो। तो जो मैंने बताया ये 3 अभ्यास अगर जो लोग करेंगे उन्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।